सूरज, कहीं तेरे बाप ने तेरे को गोद तो नहीं लिया है? पूरा दिन तेरे से काम कराता रहता है। और वो कह रहे थे कि आपने किसी बच्चे को गोद लिया था, यही है क्या? वो कितना बड़ा हो गया ना। अरे यार, आजकल यही होता है, पहले बच्चे को बचपन में गोद लेते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है ना तो उससे घर का सारा काम करवाते हैं, और बाद जब उसके हक की आते हैं ना तो उसे घर से निकाल देते हैं और बोलते हैं तू मेरा असली बेटा नहीं। जब एक ना एक दिन मुझे घर छोड़ कर जाना ही है तो आज क्यों नहीं? अब मैं और इस घर में झूठे रिश्ते के साथ नहीं रह सकता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे सूरज, बस कर यार, कितना काम करेगा, सुबह से काम ही कर रहा है। क्या करूं अंकित भाई, अब काम है, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा तो ये बता, तो इंसान है कि भूत? मतलब ये तो सुबह से काम कर रहा है, तुझे भूख नहीं लगती क्या? अरे यार, भूख बहुत तेज से लगी है, सोच रहा था थोड़ा सा ही काम बचा है, खत्म कर लूं फिर घर चला जाऊं। चल ठीक है, मैं जा रहा हूं, तो ये काम हम छोड़ और घर जाके पहले खाना खा ले, फिर बाद में आके कर लेना। चल ठीक है भाई। बेटा आ गया तू, जा खाना खा ले, बहुत थक गया होगा। हाँ पापा, आज बहुत काम कर दिया, थक गया हूँ बहुत, पहले थोड़ा आराम कर लूँ फिर खाना खा लूँगा। अरे बेटा पहले खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे खेत भी जाना है, कहीं जानवर ना आ जाए खेत में। तो आप एक काम करो, आप खेत जाओ, मैं खाना खा लूँगा। ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम आराम करके खाना खा लेना। ठीक है पापा। रात हो गई, पापा 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 भी कैसे नहीं आए क्या? एक काम करता हूँ, खेत जाके देखता हूँ। पापा। अरे यार, ये पापा कहाँ हैं, काफी रात हो गई। पापा 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 उठो पापा, क्या हुआ पापा आपको? पापा जी, पापा कैसे हैं? आपके पापा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस की वजह से बेहोश हो गए थे। आप उनका पूरी तरह से ख्याल रखिए, और जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए उनको काम बिल्कुल मत करने दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। और मैं कुछ मेडिसिन लिखे दे रहा हूँ, उनको ले लेना और टाइम टाइम पे देते रहना।
अरे बेटा तुम रघुवीर सिंह के बेटे हो ना? हाँ सतन अंकल है ना? सही पहचान है। हम और इनके पिताजी दोनों बचपन के दोस्त थे। हम दोनों का बचपन साथ ही गुजरा है। इनके पिताजी पढ़ने के लिए विदेश चले गए, इसलिए हम दोनों बिछड़ गए। हाँ मेरे पापा अक्सर आपके बारे में बातें किया करते थे। अच्छा, और वो कह रहे थे कि आपने किसी बच्चे को गोद लिया था। यही है क्या वो? कितना बड़ा हो गया ना। अरे नहीं नहीं बेटा। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, घर पे कोई नहीं है ना। चल चल बेटा चल चल। और वो कह रहे थे कि आपने किसी बच्चे को गोद लिया था। यही है क्या वो? और वो कह रहे थे कि आपने किसी बच्चे को गोद लिया था। यही है क्या वो? क्या हुआ भाई, आप लोग इतना शांत क्यों हो? अब क्या बताऊं यार, वो अपना दोस्त था ना विकास। हाँ तो उसके पापा ने उसको घर से निकाल दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर शहर चले गए। क्यों भाई? अरे यार उनका वो असली बेटा नहीं था, उन्होंने उसको बचपन में गोद लिया था। अरे यार आजकल यही होता है, पहले बच्चे को बचपन में गोद लेते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है ना तो उससे घर का सारा काम करवाते हैं, और बाद जब उसके हक की आती है ना तो उसे घर से निकाल देते हैं और बोलते हैं तू मेरा असली बेटा नहीं है। हाँ यार कैसे कैसे लोग रहते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, पापा को दवा भी देनी है। सूरज कहीं तेरे बाप ने तेरे को गोद तो नहीं लिया है? पूरा दिन तेरे से काम कराता रहता है। अबे तू पागल है क्या, ये क्या बोल रहा है? सॉरी यार मैं मजाक कर रहा था। अरे बेटा तू आज खेत में काम करने नहीं गया? वो डॉक्टर ने बोला था आपका कुछ दिनों तक ख्याल रखने के लिए, जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, तो इसलिए नहीं गया। अरे मैं ठीक हूँ, तू मेरी टेंशन मत ले, तू खेत जा और खेत का बचा हुआ काम खत्म कर दे। कहीं तेरे बाप ने तेरे को गोद तो नहीं लिया है? पूरा दिन तेरे से काम कराता रहता है। ठीक है पापा मैं दवा ले आया हूँ, आप खा लेना, मैं जा रहा हूँ। यार आज खेत का तो सारा काम खत्म हो गया। सरदार जी आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। पापा ये कौन थे और कौन सा काम हो जाएगा? अरे बेटा ये वकील साहब थे, थोड़ा खेती बाड़ी का काम था, वही बोल रहे थे कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। खेती बाड़ी का काम? कहीं पापा भी तो विकास के पापा के जैसे खेती बेचने तो नहीं जा रहे हैं? कहाँ खो गया? कहीं नहीं। अच्छा ये बता खेत का काम खत्म हुआ या नहीं? हाँ हो गया। जा जाके खाना खा ले। कहीं मेरे पापा भी विकास के पापा जैसे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के शहर न चले जाएं। क्या करूं यार, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। क्या करूं यार। क्या बात है सूरज, तो बहुत उदास लग रहा है, कल भी बहुत उदास था। बस यार ऐसे ही। देख सूरज
मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कोई तो प्रॉब्लम है, अब बता भी दे यार। यार वो मेरे पापा। पापा? यार वो मेरे पापा असली पापा नहीं है। तो क्या बोल रहा है तू? हाँ यार ये बात सच है, वो मेरे असली पापा नहीं है। तभी मैं सोचूं वो तुमसे इतना काम क्यों कराते हैं। कहीं तेरे पापा भी विकास की तरह तुझे घर से बाहर ना निकाल दें। हाँ यार यही सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मेरा दिल कह रहा है कि मेरे पापा विकास के पापा जैसे नहीं है, और दिमाग कह रहा है कि मेरा साथ ही विकास के जैसा ही होगा। क्या करूं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख तू परेशान ना हो, मेरे पास एक आइडिया है। तू घर जा, अपने पापा से बोल मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अगर तेरे पापा तुझे 2 लाख रुपए दे देते हैं ना, तो कम से कम तू अपना छोटा मोटा धंधा तो खोल सकता है, भूखा तो नहीं मरेगा। पापा मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? जा मेरे कुर्ते में पड़े होंगे, ले ले जाके। पापा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए? क्यों? मुझे कुछ काम है। पर बेटा इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। पर बेटा इतने पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं है तो जमीन बेचो, और अगर जमीन नहीं बेच सकते तो किसी के पास गिरवी रखो, और वैसे भी हमारे पास इतनी सारी जमीन है ही है, उसमें से थोड़ी बेच भी देंगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। नहीं मैं जमीन नहीं बेच सकता। पर क्यों पापा, आप चुप क्यों हैं? बोलो। हाँ क्योंकि मैं आपका असली बेटा नहीं हूं ना, इसलिए। ये सब तू क्या बोल रहा है बेटा? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तभी तो आप आज मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। अरे आज क्या, आपने कभी भी मुझे पैसे दिए ही नहीं, सिर्फ मुझसे हमेशा काम कराया है। अरे बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे ऐसा मत बोल बेटा। हाँ मैं सही तो बोल रहा हूँ, इसमें गलत क्या बोला? और आज तो आपने सिर्फ मुझे पैसे ही देने से मना किया है, कल जब बात मेरे हक की आएगी आप तो बोल दोगे कि तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा ना। जब एक ना एक दिन मुझे घर छोड़कर जाना ही है तो आज क्यों नहीं। अब मैं और इस घर में झूठे रिश्ते के साथ नहीं रह सकता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। जो बंधन टूटे जो अपने रूठे पास आ जाए फिर से दूरियां, ये क्यों होता है कि दिल रोता है बेबस हो। सरदार जी आपका काम हो गया। ये जुबान सरदार जी, अपने सरदार जी इस किनारे आपको क्या हो गया? अपने तो सारे इस किनारे रह गए हो, तन्हा चला जो उस पार मैं हूं ना, खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूं ना, बेचैन मैं हूं बेकरार मैं हूं ना, कोई तो हो ऐसा जिसको अपना कह सकूं, कोई तो हो ऐसा जिसके दिल में रह सकूं, हो कोई तो कहता एक बार मैं हूं ना। अरे सूरज तुम यहाँ पे बैठे हो और वहां तुम्हारे पापा की तबीयत पता है कितनी खराब है। क्या अब मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है,
क्यों, ऐसा क्या हुआ? यही तो गलती करते हैं हम लोग। अरे कभी सोचा है, जब हम छोटे होते हैं तो पापा हमें उठना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी हमें पाल पोस के बड़ा करने में गुजार देते हैं। और जब बारी हमारी आती है उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए, तो हम अपने पापा से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो उस बाप पे क्या गुजरती होगी, कभी सोचा हम लोगों ने? और तुम्हारे पापा ने तुम्हें किसी अनाथ आश्रम से गोद नहीं लिया था, तुमको कोई मंदिर में छोड़ गया था, तब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारे पापा ने तुम्हें देखा और वो घर ले आए थे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उनको डर था कि जिससे उनकी शादी होगी वो तुम्हें अपने असली बेटे ऐसा प्यार नहीं दे पाएगी। अगर पापा हमसे इतना ही प्यार करते हैं तो उन्होंने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो जब मैंने उनसे बोला था कि मुझे जमीन बेच के पैसे दो, तो वो चुप क्यों थे? वो चुप इसलिए थे क्योंकि उनके नाम जमीन थी ही नहीं, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करा दी है, और जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे भी थे वो तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कराने में लग गए। क्या? हाँ, ये बात सच है। ये क्या हो गया मुझसे? मैंने अपने भगवान से पापा को कितना दुख पहुंचाया है, अभी कहाँ है वो? मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, अभी वो ठीक है, जाओ और जाके माफी मांग लो उनसे। और हाँ, एक बात याद रखना, इस दुनिया में एक बाप ही ऐसा इंसान होता है जो चाहता है मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा कामयाब बने। कि आप हमसे इतना प्यार करते हो, मेरे पापा मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तू माना मेरा अपना खून नहीं है, पर मेरे शरीर का वो अंग है ना, तो शरीर से कभी दूर नहीं रह सकता। हाँ, मानता हूँ कि बाप बेटे में कभी कभी नहीं बनती, पर एक दूसरे के बिना चलती भी नहीं ना। आ जा बेटा। झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा।
बाप हो तो ऐसा